और पावर स्टेयरिंग का पंप अलग अलग दिया है कि अगर किसी भी तरीके की है जिसके अंदर क्या रहता है, इसकी ट्रैक्टर की लाइन आउट नहीं होती है और हम प्रॉपरली 8 kg इसमें वेट देते हैं, जिसमें एक का 22 kg का वेट होता है, तो टोटल 88 kg की कोई सामना नहीं करना पड़ता है, आराम से ओपन हो जाता है। और अब जो भी कंपनी फिटेड है, आजकल की क्या है तकनीकी बढ़ती है, उसके अंदर हमने एक स्पेशल गियर दिया है 540 प्लस 540 इकोनॉमिक करारो शटल गियर है, जिसमें फ्रंट एंड बैक है। जिस स्पीड में आप आगे जा पाएंगे उसी स्पीड में आप एकदम रिवर्स गियर लगा के सेम स्पीड में पीछे। और ये हमारे ऑटोमेटिक लिफ्ट के लीवर्स हैं, जो इस पोजीशन पे आप इसके अंदर डबल क्लच दिया है, जो डबल क्लच का भी है वो लीवर यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप इजिली यूज कर। हेलो नमस्कार, राम राम सभी को भाई। तो भाई आज बात करेंगे DI 6565 V2 ACE का। तो इस ट्रैक्टर के भाई जो भी फीचर्स है, पहले मैंने इस ट्रैक्टर की वीडियो बना रखी है, बट आज इसमें ना आप बोलते हो भैया प्रॉपर वीडियो बनाया करो, एक एक फीचर्स के बारे में डिटेल में बताया करो। तो आज आपको वही चीज़ें बताने वाले हैं। तो हमारे कंपनी से भाई साहब सुमित जी यहाँ पहुँचे हैं, तो उनसे बात करेंगे और आपके रूबरू करवाएंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना भाई। एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, ट्रैक्टर की क्या खासियत है, और ट्रैक्टर ने अभी भैया बहुत ज़्यादा पकड़ बनाई है अपनी HP के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से भी ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है और सभी के बजट के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रैक्टर है, सभी ट्रैक्टरों को भाई टक्कर देता है ट्रैक्टर। बाकी हमारे जो सुमित भैया हैं इनसे बात करेंगे और जो जो इस ट्रैक्टर के फीचर्स है भैया डिटेल में बताएंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर। तो सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम अपने एस ट्रैक्टर के 6565 सीरीज के 6565 V2 ट्रैक्टर की बात करेंगे, जिसका कुछ लुक इस तरह से है। इसकी अगर हम बात करें तो ये 61 हॉर्स पावर के अंदर 65 हॉर्स पावर की श्रेणी का ट्रैक्टर है। उसके हिसाब से फ्लैट प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर एक खुला स्पेस मिल जाता है किसान भाई को। आप दिखाइए प्लीज। जिसमें क्या होता है, आजकल किसानों को बहुत लंबे समय तक खेत में काम करना पड़ता है, तो कंफर्टेबली बिना किसी थकान के वो इस खुले स्पेस के अंदर बैठ के आराम से लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के काम कर सकते हैं। जो हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए हैं हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो पहला फीचर है ये हमारा फ्लीट गार्ड, जो कि हमने काफ़ी बड़े साइज़ के दिए हैं कि जितनी भी अगर आगे से गर्म हवा आए तो वो किसान भाई तक ना पहुंच पाए, कि वो ज़्यादा लंबे से लंबे समय तक बिना थके काम कर सके, उसे गर्मी का सामना ना करना पड़े। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे पंप्स की, तो हमने इसका लिफ्ट पंप और पावर स्टेयरिंग का पंप अलग अलग दिया है कि अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो एक ही वक्त पर पूरा ट्रैक्टर ब्रेक डाउन ना हो जाए और किसान भाई कंटिन्यू अपना काम कर सके। और पावर स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग हमने दिया है, जिसके अंदर क्या रहता है, इसकी ट्रैक्टर की लाइन आउट नहीं होती है और हम प्रॉपरली वर्क रहता है और जो कटाई होती है ट्रैक्टर की वो ज़्यादा रहती है। अगर हम फ्रंट टायरों की बात करें तो इसमें 7/50/16 के हमें फ्रंट टायर मिलते हैं, और अगर हम फ्रंट की बात करें तो इस पर एक अच्छा खासा वेट मिल जाता है हमें, जिससे हमें फ्रंट लिफ्टिंग की इशू वैसे भी नहीं है, लेकिन हम इसमें फिर भी फ्रंट के जी इसमें वेट देते हैं, जिसमें एक का 22 kg का वेट होता है, तो टोटल 88 kg की तो प्लेट्स हैं। और अगर किसान भाई अपने ज़रूरत के अनुसार और अगर ऐड करना चाहे तो वो ऐड भी कर सकता है, और इसका भी लगभग 45 kg वेट रहता है फ्रंट बम्पर का ये। और ये हमारा एरोडायनेमिक फ्रंट बोनेट है, जिसको हमने सिंगल बोनेट में डिज़ाइन किया है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने डबल शॉकर लगाए हैं, जिसकी वजह से एक किसान भाई को कोई सामना नहीं करना पड़ता, ये आराम से ओपन हो जाता है और बड़ा स्टाइलिश है और सॉलिड है ये। और अगर हम इसके अंदर की बात करें तो हमने एक इसके अंदर बड़ा रेडिएटर दिया है, जो ट्रैक्टर को प्रॉपर कूल करता है, लंबे टाइम तक काम करते वक्त इसके अंदर कोई हीटिंग इशू नहीं रहता और बढ़िया से ये लंबे टाइम तक हम इसमें काम कर पाते हैं। इसके अंदर हमने ड्राई टाइप एयर क्लीनर दिया है, जो कि 3 स्टेजेस में काम करता है। ये हमने प्री एयर क्लीनर है, अगर कोई भी डस्ट चली जाती है पतली तो नॉर्मल डस्ट यहाँ से बाहर आ जाती है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो हम इसमें भी एक साइड की बैटरी देते हैं, फ्रंट में देते हैं। तो और अगर आगे हम बढ़ें तो इसमें सर बोश माइको बोश का पंप दिया जाता है, इनलाइन पंप, जो कि इंडिया की फर्स्ट और सबसे बढ़िया निर्माता कंपनी है फ्यूल इंजेक्शन पंप्स की। 4 सिलेंडर सर हमारा इसमें इंजन लगा हुआ है, जो कि 4088 cc का इंजन है। 4088 cc का इंजन इस 61 HP श्रेणी का सबसे बेहतरीन इंजन है और सबसे कम तेल
तेल खाने वाला इंजन है। इसी बात करें तो इसके अंदर ये वाटर सेपरेटर दिया गया है। वाटर सेपरेटर का काम क्या होता है सर, कि इसके अंदर जो अगर तेल के अंदर कोई भी पानी आ गया है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे अलग कर देता है। जैसे सभी जानते हैं, जैसे इंसान के लिए जहर उसको मारने का काम करता है, फ्यूल पंप के लिए भी सबसे खतरनाक होता है। तो जैसे ही इसके अंदर पानी या अगर कोई भी दूसरी चीज जाएगी तो वो अलग हो जाती है वाटर सेपरेटर के थ्रू। दूसरा सर, हमने ये एक स्टाइलिश टूल बॉक्स दिया है यहाँ पे जो माउंटेड है बाहर की तरफ, इसको आप बड़े इजीली यूज कर सकते हैं। कूलेंट की बात करें तो हमने इसके अंदर सेपरेट कूलेंट रिकवरी बोतल दी है, जिसके अंदर आप इसको, आपको रेडिएटर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसको मेजर करके, अगर आपके रेडिएटर में पानी कम होगा तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, सिर्फ आपको इसे फिल करना है तो आपका सारा काम सही से चलता रहेगा। अगर इधर हम बात करें तो हमने यहाँ पे पावर स्टेयरिंग के ऑयल की रिकवरी बोतल दी है। यहाँ पे हमें देख के पावर स्टेयरिंग का अलग से सेपरेट ऑयल इसलिए दिया जाता है कि कई बार क्या होता है कि ट्रैक्टर्स के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल के साथ इसे अटैच किया जाता है, तो कई बार क्या होता है किसी, हम किसान भाई ये प्यार मोहब्बत में किसी को अपना ट्रैक्टर दे देता है या ट्रॉली दे देता है तो क्या होता है मिक्स हो जाता है, कचरा आ जाता है, तो क्या होता है पावर स्टेयरिंग के बुश कट जाते हैं, सील्स कट जाती हैं गंदगी आने की वजह से। इसलिए इसका एक सेपरेट ऑयल दे देते हैं कि इसके अंदर किसी तरह का दूषित तत्व ना आए जिससे कि इसमें पावर स्टेयरिंग बाधित हो, इसको सेपरेट लगाया जाता है। तीसरी बात करें हम इसके गियर बॉक्स की, तो इसके अंदर हमने करारो कंपनी का मेड इन इटली 24 स्पीड गियर बॉक्स दिया है जो कि 12+12 हाई लो मीडियम में काम करता है। जितनी स्पीड में आप फॉरवर्ड जाएंगे उसी स्पीड में हम रिवर्स आ सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें रियर टायर्स की, तो इसके अंदर हमें सोलानो 28 के MRF कंपनी के टायर मिलेंगे। और अगर हम रियर रिम्स की बात करें तो इसमें कंपनी फिटेड 38 kg का वेट आता है जो कि कंपनी फिटेड किसान भाई को हम दिया जाएगा। और अगर हम इसके स्टाइलिंग की बात करें तो इसमें हमने LED लाइट्स दिए हैं, एक प्योर बढ़िया से हमने इसके फेंडर्स दिए हैं जो कि एक स्टाइलिश लुक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, प्योर एक स्टाइलिंग लुक में हमने दिया है। किसान भाई के साथ बैठने के लिए फेंडर ग्रिल्स दिए हैं कि जो साथ में बैठे वो भी कंफर्टेबली बैठ सके। और उसके साथ साथ हमने इसके अंदर जो लिफ्ट पावर है वो 2200 kg की दी है। आज के टाइम पे हमें काफ़ी बड़े बड़े साधन यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे सुपर सीडर है, तो उसके अंदर किसी तरह की दिक्कत ना आए इसलिए हमने इसके अंदर 2200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी दी है। 4 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व दिए हैं जो भी कंपनी फिटेड है। आजकल की क्या है, तकनीकी बढ़ती जा रही है, तकनीक की युग आ रहा है, हर तरीके के नए नए साधन आ रहे हैं जिसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है, फ्रंट में भी टिपिंग ट्रोलिस और बहुत चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमने कंपनी फिटेड 4 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व दिए हैं। और इसके अंदर जो PTO है उसके अंदर हमने एक स्पेशल गियर दिया है 540+540 इकोनॉमिक। इसके इकोनॉमिक का मतलब क्या है, अगर आपको किसी ऐसी चीज़ पे यूज़ करना है जहाँ पे आपको पावर की ज़रूरत नहीं है लेकिन सिर्फ चक्कर की ज़रूरत है, जैसे अल्टरनेटर हो गया या फ़ैन हो गया, तो उस पर आप इसको इकोनॉमी में चला के इसमें आपका तेल का खर्चा कम हो जाएगा और आप इसको ईजिली अच्छे कम तेल के खर्चे में यूज़ कर पाएंगे। और अगर हम PTO पावर की बात करें तो इसके अंदर लगभग 54.5 हॉर्स पावर की हमें PTO हॉर्स पावर मिलती है। सर एक चीज और बताना सर, वो जो 65 जो DI है जी, उसके अंदर और V2 के अंदर सेम PTO पावर मिलेगी? सेम PTO पावर है सर, इंजन सेम है उसके अंदर जी सर। लिफ्ट कैपेसिटी उसके अंदर सर 1800 kg की है, इसके अंदर 2200 kg की है सर। जी जी, डिजाइनिंग के अंदर अलग है सर, फीचर्स के अंदर अलग है बहुत ट्रैक्टर, बस जो हमारा इंजन है सर पावर के अंदर वो सेम दिया गया है। जी सर, PTO पावर सेम दिया, बिल्कुल सर। ठीक है सर, और एक चीज और सर उस पूछना चाहूंगा सर, उसके अंदर जो पीछे का हिस्सा है जो सर EPI दिया गया है उसके अंदर भी? नहीं सर, उसके अंदर हमारा स्ट्रेट एक्सल है। स्ट्रेट एक्सल है तो इसके अंदर सर? इसके अंदर सर हमने EPI रिडक्शन दिया है। EPI रिडक्शन जी सर, जो कि JCB में यूज होता है। JCB के अंदर जी सर, सर एक चीज मैं आपसे थोड़ा सा इसके अंदर और पूछना चाहूंगा, मेरे को ऐसे क्यों लगता है कि आपने ट्रैक्टर को डिजाइन ही ऐसे किया गया, अगर आप इसको एसी केबल लगाना चाहो तो आप कोई ज्यादा कोई इसके अंदर बदलाव करने की? बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर आप इसके अंदर एसी केबिन फिट करवाना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप इसको देखिए, आप यहाँ पे ना हमने मडगार्ड को इस तरह से डिजाइन करा है, इसको सपोर्ट भी मिली है, प्लस इसको आप इजीली ना यहाँ से
कैबिन को कवर करके आप इजीली फिटिंग करवा सकते हैं सर एसी एसी कैबिन के। मरगाटो के साथ भी कोई आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। देखिए पीछे से तो मैंने आपको दिखा दिया और फ्रंट में भी जो इसमें हमने किया है जो इसका फ्रंट स्पेस है वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है और बढ़िया से एसी कैबिन फिटिंग हो सकती है जी। अगर सर इसके अंदर कोई एसी केबल वगैरह कोई लेना चाहे तो वो भी कंपनी अभी कंपनी फिटेड का तो सर अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जी सर। आने वाले टाइम में जरूर सर ऐसा भी ट्रैक्टर हम किसान भाई के लिए जरूर लेके आएंगे। और अगर हम बात करें इसके आगे स्पेस की तो इसके अंदर हमने दोनों तरफ से चढ़ने का प्लेटफॉर्म दिया गया है। एक इसके अंदर बढ़िया स्टाइलिश आरामदायक सीट दी गई है जो कि एडजस्टेबल है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अंदर हैंड ब्रेक भी इजीली बिल्कुल सीट के साथ दी गई है जैसे कारों के अंदर दी जाती है। ये देखिए ये हैंड ब्रेक का ऑप्शन है और साथ ही हमने इसके अंदर डबल क्लच दिया है, जो डबल क्लच का भी है वो लीवर यहाँ पे दिया गया है, इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। ये हमारे ब्रेक पैडल्स हैं जो कि एक बिल्कुल जैसे कारों के अंदर यूज होते हैं बिल्कुल इजीली और बिल्कुल इसमें प्रेशर नहीं रहता है तो बहुत इजीली किसान भाई इसको यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, जिससे पैर ज्यादा दर्द नहीं करते हैं और लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के बिना थके इजीली काम कर सकते हैं किसान भाई। और इसमें डबल क्लच दिया गया हमने इसका। देखिए सर ये मेन गियर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का। इधर हमने इसके अंदर फॉरवर्ड एंड रिवर्स दिया है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें करारो गियर है और करारो शटल गियर है जिसमें फ्रंट एंड बैक है। जिस स्पीड में आप आगे जा पाएंगे उसी स्पीड में आप एकदम रिवर्स गियर लगा के सेम स्पीड में पीछे आ पाएंगे। ये हमारा हाई लो मीडियम का गियर है मेन। ये सर हमारे चार जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर वाल दिखाए थे आपको उसका ऑपरेटिंग लीवर्स हैं। ये हमारे लिफ्ट के लीवर्स हैं और ये हमारे ऑटोमेटिक लिफ्ट के लीवर्स हैं जो इस पोजीशन पे आप एक बार लिफ्ट को सेट कर देंगे उठाने और गिराने के लिए एक स्पेशल लीवर्स हैं, इनका यूज करके आप इजिली वर्क कर सकते हैं। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि बड़ा स्टाइलिश है। इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, स्पीडोमीटर, टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज, बैटरी की क्या पोजीशन है, हर चीज़ का आपको एक ही जगह पर सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बात की जाए इनके लैंप्स की तो इसके अंदर हमें जो इंडिकेटर्स मिलते हैं वो LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। देखिए मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। प्राइस की बात करें सर इसकी तो इसका प्राइस 7,70,000 रुपये रखा गया। सर एक चीज और मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा किसान भाई को, इसमें अपने को इंजन का ऑप्शन मिलता है क्या? इंजन का कैसे सर? जैसे एक प्रेस को बढ़ाता है इंजन। जी जी नहीं सर, इसके अंदर हमारा इंजन जो है न्यू जनरेशन इंजन रहेगा NG सीरीज का। इसके अंदर सर किर्लोस्कर वाला ऑप्शन नहीं रहता है। किर्लोस्कर का ऑप्शन जो ऐसे आप कह रहे ऑप्शन वो हमारे तीन ट्रैक्टर्स के अंदर रहता है, S350, 450 और 550 के अंदर। उसका सर 6,50,000 रुपये प्राइस है सर। जी सर उसके अंदर क्या है सर, सिर्फ वो हाई लो गियर के साथ आता है 8+2 गियर के साथ, उसके अंदर हाई लो मीडियम नहीं है। बाकी जो इंजन की क्षमता है वो सेम है, 61 HP वो ऑन पेपर मिलेगा 65 की श्रेणी में, 65 हॉर्स पावर की श्रेणी में जी। वारंटी जो रहती है सर 2 साल या 2,000 घंटे जो भी सर पहले हो। जी सर ठीक है सर। और एक चीज और सर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे किसान भाइयों को अगर किसी ने लोन वगैरह पे अगर ट्रैक्टर लेना हो। जी जी सर फैसिलिटी है बैंक से ना? बिल्कुल सर बिल्कुल, किसान भाई को किसी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जो भी नेशनलाइज बैंक है जैसे SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, चोला मंडलम है, किसी भी बैंक से अगर किसान भाई चाहता है तो वो इजीली लोन करवा सकता है इस ट्रैक्टर के लिए। जी सर कितना का लोन का आइडिया थोड़ा दे सकते हैं, कितना का लोन ट्रैक्टर पे किसान भाई हो जाएगा या उसके सिविल पे डिपेंड करेगा उसका सिविल जैसा हो? देखिए सबसे पहले तो किसान भाई के सिविल पे डिपेंड करता है कि उनका सिविल बैक रिकॉर्ड कैसा है उनका। बाकी अगर हम लोन की बात करें तो इस पे पूरा अच्छे से अच्छा खासा लोन हो जाता है, 75% 80% तक हम इस पे लोन की सुविधा देते हैं जी। सर अगर किसी किसान भाई ने अगर ट्रैक्टर का थोड़ा डेमो वगैरह लेना हो, क्योंकि बिल्कुल सर बिल्कुल एनी टाइम सर एनी टाइम 24 आवर कभी भी आप
कॉल कर सकते हैं। मैं चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा हमारा, कभी भी आपको ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, चला के देखना हो, डेमो चाहिए हो, तो कभी भी आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं सर मुझे। जी सर, अपना नंबर भी कॉल कर बता दो अगर किसी किसान भाई को, अगर वैसे नंबर ना निकाल पाए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना। जी सर, मेरा नाम सर सुमित वाधवा, एस ट्रैक्टर कंपनी फरीदाबाद से फतेहाबाद डीलरशिप पे। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9467430420 9467430420 4630 है। सर इसके अंदर थोड़ा सा एक मैं थोड़ा आपसे पूछना भूल गया सर, मुझे याद आया कि इसके अंदर कलर का ऑप्शन भी आता है क्या? कलर का ऑप्शन बिल्कुल है सर, ये जैसे नॉर्मली हम ब्लू कलर में सेल करते हैं सर, अगर लेकिन किसान भाई अगर चाहता है तो इसके अंदर सर येलो कलर का ऑप्शन भी हम देती है। जी सर, दो कलर का ऑप्शन है सर, जो बस उसके अंदर थोड़ा सा ऑन डिमांडिंग पॉइंट 2-3 डेज का टाइम रहता है जिसमें हम किसान भाई के लिए उसको अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है सर, कितने कंपनी के सर स्टार्टिंग कितने एचपी से लेकर कितने एचपी तक ट्रैक्टर? हमारे पास सर 18 हॉर्स पावर से लेके 90 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर है सर। सभी ट्रैक्टर फॉरवर्ड फॉर्मिंग के लिए सर या कोई नहीं? ये सर देखिए, जो हमारा नॉर्मल 450-550 है ट्रैक्टर, 65-65 है, ये सर 4x4 में अवेलेबल है सर। ठीक है सर। जी सर, बागवानी के लिए छोटा ट्रैक्टर सर? बागवानी के लिए सर हमारा V20 है सर, जो 18 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है सर, बहुत अच्छा फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर है, उसका भी तेल खर्चा बहुत कम है, छोटे किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा वरदान टाइप है वो। अभी हमने उसका एक ट्रायल किया था जिसके अंदर 1 घंटे में कुल 600 ml उसने तेल खाया था 1 घंटे में। जी सर, इस पे सर कौन सी इंप्लीमेंट उसका सर मैं आपको वीडियो भी एक शेयर कर दूंगा उसके उसको सॉरी हैरो के अंदर यूज किया था सर हमने, छोटी हैरो के अंदर सर। सर वो 4x4 आता है छोटा? नहीं, 4x4 का अवेलेबल नहीं है सर, अभी सर 2-व्हील ड्राइव है। जी जी सर, बागवानी के लिए 2-व्हील ड्राइव है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं सर, अभी बहुत जल्दी यहाँ पे भी अवेलेबल कराएंगे सर वो ट्रैक्टर, तो आपको जरूर उसके भी पूरा रिव्यू के साथ डिटेल में बात करेंगे। और कोई भी आपको सवाल हो देश के रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड कोई भी आपने कोई भी सवाल पूछना हो ट्रैक्टर के बारे में, 65, 450, 550, तो आप जो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने वीडियो के अंदर बताया, भाई साहब ने बताया, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनका एड्रेस वगैरह है भाई, ये सीसा रोड है जो फतेहाबाद के अंदर हरमिंदर पेट्रोल पंप के साथ। हाँ जी, नियर हरमिंदर सिंह पेट्रोल पंप के साथ, एस ट्रैक्टर एजेंसी फतेहाबाद। तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं, अगर भाई कोई आसपास फतेहाबाद के एरिया से है तो आप भाई एक बार सेवा का मौका जरूर दें। काफी बढ़िया ट्रैक्टर है भाई, काफी किसान पसंद भी कर रहे हैं, ऐसी कोई सोचने की बात नहीं है कि आप अगर नई कंपनी पे जाओ तो आपको दिक्कत वगैरह। भैया एक चीज और बताओ, किसान भाइयों के मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि हम नई कंपनी में जा रहे हैं, कल को स्पेयर पार्ट की दिक्कत आएगी? स्पेयर पार्ट की सर मैं बताना चाहता हूँ, देखिये एक जो डर बना हुआ था, एक्चुअली क्या था, हमारी कंपनी ने सर 2008 से बिजनेस स्टार्ट करा था, तो जो सर 2008 से लेके 15 तक का टाइम था उसमें सर हमने चाइनीज इंजन के साथ बिजनेस किया, तो क्या हुआ सर, किसान भाइयों को एक डर बन गया कि उसका स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अभी सर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एनजी सीरीज न्यू जनरेशन सीरीज है, जीट्रोमेटिक टेक्नोलॉजी का इंजन है सर उसके अंदर, जो कि हम खुद बनाते हैं, तो उसके स्पेयर पार्ट का कोई इशू नहीं है सर, इंडिया का मटेरियल है, हम मार्केट में पूरे तरीके से अवेलेबिलिटी कराते हैं सर उसकी। दूसरा सर हमारे पास किर्लोस्कर का इंजन है, किर्लोस्कर इंडिया की सबसे बढ़िया निर्माता इंजन कंपनी है सर, तो उसका भी सर कोई इशू नहीं है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ऐसा कोई वह मन में मत पाए कि आपको स्पेयर पार्ट का कोई भी तंगी रहेगी या कोई ऐसा इशू रहेगा आपके ट्रैक्टर में, ऐसा कोई भी आज के टाइम में दिक्कत नहीं है सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, भाई साहब जी ने इस ट्रैक्टर का रिव्यू किया और अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिली और आपको भी मिली भाई, और कोई भी आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद सर।